अजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न, नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन जानी मानी हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मशहूर संगीतकार भूपेन हजारिका और आरएसएस से जुड़े नेता एवं समाज सेवी नानाजी देशमुख को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन से जारी बयान में कहा गया कि नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। वह यूपीए एक और यूपीए दो सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। कुछ महीने पहले संघ के कार्यक्रम में उनके शामिल होने को लेकर भी काफी बहस हुई थी। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रणब ने कहा था कि अब वह किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। प्रणब ने किया ट्वीट, बेटी ने लिखा गर्व का पल। भारत रत्न की घोषणा के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा, देश के लोगों के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता की भावना के साथ मैं इस महान सम्मान को स्वीकार करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं और मैं दोहराता हूं कि मैंने जितना दिया है उससे कहीं ज्यादा मुझे मेरे महान देश के लोगों से मिला है। प्रणब मुखर्जी की बेटी और दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा, परिवार के लिए गर्व और आनंद का क्षण। जनसंघ से जुड़े थे नानाजी। संघ से जुड़े नानाजी देशमुख पूर्व में भारतीय जनसंघ से जुड़े थे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद स्वीकार नहीं किया और जीवन भर दीनदयाल शोध संस्थान के अंतर्गत चलने वाले विविध प्रकल्पों के विस्तार के लिए कार्य करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। वाजपेयी के कार्यकाल में ही भारत सरकार ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पद्म विभूषण भी प्रदान किया। भूपेन हजारिका पूर्वोत्तर राज्य असम से ताल्लुक रखते थे। अपनी मूल भाषा असमिया के अलावा भूपेन हजारिका ने हिंदी, बंगला समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाने गाए। उन्होंने फिल्म गांधी टू हिटलर में महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन गाया था। उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 8 सितंबर 1926 में भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के सदिया में जन्मे हजारिका ने अपना पहला गाना 10 साल की उम्र में गाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर तीनों हस्तियों को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। पीएम बोले, प्रणव दा उत्कृष्ट राजनेता। प्रणब मुखर्जी के बारे में पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, प्रणब दा हमारे समय के उत्कृष्ट राजनेता है। उन्होंने दशकों तक निस्वार्थ भाव से अनवरत देश की सेवा की है। उन्होंने राष्ट्र के विकास पथ पर एक मजबूत छाप छोड़ी है। मुखर्जी के ज्ञान की प्रशंसा करते हुए पीएम ने कहा कि मुझे खुशी हुई कि उन्हें भारत रत्न दिया गया है। हजारिका के गीत संगीत की सबने की प्रशंसा। हजारिका के बारे में पीएम ने लिखा, श्री भूपेन हजारिका के गीत और संगीत की हर पीढ़ी के लोगों ने प्रशंसा की है। इसके जरिए उन्होंने न्याय, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने भारत की संगीत परंपरा को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। भूपेन दा को भारत रत्न दिए जाने पर प्रसन्नता हुई। नानाजी के बारे में पीएम ने लिखा, ग्रामीण विकास की दिशा में नानाजी देशमुख के अहम योगदान ने हमारे गाँव के लोगों को सशक्त बनाने का एक नया रास्ता दिखाया। वह सच मायने में भारत रत्न है।